गुड मॉर्निंग। सीएमए पेपर नंबर 20, सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20, एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशंस का एमसीक्यू करा रहा हूँ। सीएमए पेपर नंबर 20, एसपीएम एंड बिजनेस वैल्यूएशंस एमसीक्यू 120 से 130 एमसीक्यू होगा और सारा एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली करा रहा हूँ, तो एकदम कंसेप्ट को एकदम समझिएगा और फोकस डायरेक्टली क्लास में कीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, दो तीन बार मेरा एमसीक्यू देखेंगे आप, एग्जाम में अच्छा से लिख पाएंगे, पेपर में श्योरली पास हो जाएंगे आप, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ईवीए का कंसेप्ट दे रहा हूँ, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड क्या होता है। बोलता है, देखिए, बोलता है कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए, किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट फंड चाहिए होता है। कंपनी को बिजनेस चलाने के लिए या किसी भी फर्म को बिजनेस चलाने के लिए फिनांस का दरकार होता है, पैसे का जरूरत होता है, ठीक है। वो पैसा कंपनी कहां से लाएगा या फर्म कहां से लाएगा, वो पैसा कंपनी क्या करेगा, शेयर होल्डर से लेगा या बैंक से लोन लेगा या डिबेंचर होल्डर से लेगा। कंपनी पैसा कहां से लाएगा, शेयर होल्डर से लाएगा या बैंक से लोन लेके लाएगा। अब देखिए, जब आप बैंक से लोन लाते हो तो आपको क्या होगा, बैंक को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस लोन के ऊपर, या आप शेयर होल्डर से जो पैसा लाते हो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ेगा उस पैसा के ऊपर। तो ये जो डिविडेंड दे रहे हो या बैंक को जो आप लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल। जो कैपिटल हम फिनांस कर रहे हैं उसके ऊपर जो खर्चा लग रहा है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल। समझ में आया, अब ईवीए समझ में आएगा। ईवीए में बोलता है कि आपका जो प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो ऑपरेशंस का आपका प्रॉफिट है, उससे आप क्या माइनस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल। अब मेरा एक एग्जांपल समझिए, आप समझ जाएंगे। सपोज हम फंड लेके आते हैं कंपनी का, 100 करोड़ रुपया का हम फंड लेके आए, आप अपना बिजनेस में 100 करोड़ रुपया लगाए, ठीक है। उस 100 करोड़ में से हम 50 करोड़ लाए शेयर होल्डर से पैसा लिए और 50 करोड़ बैंक से लोन लिए, ठीक है। अब जो शेयर होल्डर से पैसा लाए उसके लिए हमको उसको डिविडेंड देना पड़ा 1 करोड़ रुपया का, और जो बैंक से लोन लेके आए उस पर हमको इंटरेस्ट देना पड़ा 3 करोड़ रुपया का। मतलब टोटल मेरा कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द प्रोजेक्ट, जो कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल, 4 करोड़ रुपया मेरा एनुअली लग गया, ठीक है। जो 100 करोड़ रुपया लाए थे उस पर मेरा 4 करोड़ रुपया उस साल का खर्चा लग गया, लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 करोड़ रुपया। तो इस केस में ईवीए क्या होगा, 10 करोड़ माइनस 4 करोड़, 4 करोड़ कौन सा, 1 करोड़ डिविडेंड का, 3 करोड़ बैंक का लोन। तो ईवीए मतलब समझ में आए, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस को मेजर करता है, सिंपल सा भाषा में। और एक क्या बोल सकते हैं, ईवीए का सिंपल सा मीनिंग है कंपनी का रिटर्न कितना ज्यादा है कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल। कंपनी का रिटर्न कितना ज्यादा है कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल, जो कैपिटल को फिनांस कर रहे हैं उसके ऊपर जो कॉस्ट लग रहा है उससे कितना ज्यादा रिटर्न है। ईवीए हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिए, उससे जितना ज्यादा रिटर्न है उसी को बोलते हैं ईवीए। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डेस इज अ मेजर ऑफ वैल्यू व्हिच टेल्स वेदर अ कंपनी इज एबल टू जनरेट रिटर्न दैट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। जो रिटर्न किससे ज्यादा एक्सीड है कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द प्रोजेक्ट से रिटर्न जो एक्सीड होता है उससे जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, ईवीए, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला भी है, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी से आप क्या माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल। उसको सिंपल फॉर्मूला में भी लिखा हुआ है, नोपेड माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को आप कैपिटल एम्प्लॉय के साथ इंटू कर देंगे, कॉस्ट ऑफ फिनांसिंग द कैपिटल निकल जाएगा। सिंपल सा चीज, इस फंडा को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड इज कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड को जब कैलकुलेट करते हैं तो ईवीए को कंसिडर नहीं किया जाता है। मार्केट वैल्यू एडेड एक अलग कंसेप्ट है। मार्केट वैल्यू एडेड बोलता है, चीज को समझिए, मार्केट वैल्यू एडेड क्या होता है कि आज के दिन आपका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, मार्केट वैल्यू है, माइनस आपने इनिशियल कितना रुपया लगाया था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। चीज को समझिए, आज के दिन सपोज रिलायंस का मार्केट वैल्यू है 2000 करोड़
और रिलायंस ने बिजनेस स्टार्ट करते समय लगाया था 1000 करोड़। जो 1000 करोड़ का जो मार्केट वैल्यूएशन बढ़ गया है उसको बोलते हैं एमवीए, मार्केट वैल्यूएटेड मार्केट मार्केट कैपिटल। जो एमवीए का फॉर्मूला देखिए, मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर माइनस कैपिटल इंप्लॉयड, जो इनिशियल कैपिटल कंपनी ने लगाया था उसको माइनस कर देंगे आज का मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हुए। एकदम सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर थ्री को देखिए, हम समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री पढ़िए आप एक बार। क्वेश्चन नंबर थ्री ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर थ्री बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है गिवन द रिस्क फ्री रेट दिया 5.5%, द मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क इज मार्केट प्रीमियम दिया 7% एंड द कंपनी बीटा इज 1.2, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, एकदम सीधा सा फॉर्मूला मार दीजिएगा, आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम होल इनटू बीटा। RF कितना दिया रिस्क फ्री 5.5% प्लस रिस्क प्रीमियम कितना है 7% होल इनटू बीटा 1.2 इनटू कर देंगे 13.9% आ जाएगा। CAPM मॉडल का है, 13.9% एकदम डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर फोर, बेंचमार्किंग फोकस ऑन। बेंचमार्किंग में क्या होता है कि हम अपना इंडस्ट्री का प्रोडक्ट इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करके उसको ग्रोथ करते हैं, उसमें उस हिसाब से सॉल्यूशन डालते हैं। तो इसमें क्या होगा, बेंचमार्किंग फोकस ऑन बेस्ट प्रैक्टिस, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। या देखिए, कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट विद बेस्ट प्रैक्टिस के साथ। मेरा प्रोडक्ट, सपोज मैं आटा बनाता हूं, तो मैं ITC का आटा के साथ मेरा आटा का कंपेयर करूंगा इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट के साथ। तो इसीलिए इसको बेस्ट प्रैक्टिस बोलते हैं, बेंचमार्किंग फोकस ऑन बेस्ट प्रैक्टिस। या देखिए, बेंचमार्किंग वर्ड आते ही बेस्ट प्रैक्टिस माथा में घूमना चाहिए और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव, ब्रांड बेंचमार्किंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बेंचमार्किंग। एकदम करेक्ट है, क्योंकि टाइप ऑफ बेंचमार्किंग में देखिए, प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, ग्लोबल है, इंटरनेट है, कंपिटेटिव है, स्ट्रेटेटिक है, 6-7 है। या देखिए, प्रोडक्ट, प्रोसेस, ग्लोबल, इंटरनल, कंपिटेटिव और ये वाला स्टैटिक, ये 5 या 6 प्रकार का बेंचमार्किंग होता है। लेकिन ब्रांड बेंचमार्किंग बोल के कोई भी बेंचमार्किंग नहीं है, ब्रांड बेंचमार्किंग बोल के कुछ भी नहीं होता है, याद रखिएगा। ब्रांड बेंचमार्किंग नहीं होता है, बस याद रखिएगा। दो वर्ड याद रखिएगा, बेंचमार्किंग मतलब बेस्ट प्रैक्टिस, ब्रांड बेंचमार्किंग कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फ्रॉम करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटीज आर गिवेन। करेंट एसेट एंड करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 1600 और 1000। How much can it borrow on a short-term basis without reducing the current ratio below 1.25? Current ratio कितना होना चाहिए? कम से कम 1.25 होना चाहिए। देखिए, current asset भी दिया है आपको, current liability भी दिया है। Current asset 1600 दिया है, current liability दिया है 1000, लेकिन इसका ratio कम से कम कितना होना चाहिए? 1.25, तो equal to 1.25। आप देखिए, ऐसा कभी भी situation दे दे कि current ratio इतना होना चाहिए और current asset और current liability आपका दिया है, दोनों side x ले लीजिएगा, plus x, इस equation को solve करेंगे, x का value आ जाएगा 1400 रुपया, तो answer होगा 1400 रुपया। simple सा question है, कभी भी ऐसा दे x पकड़ के बना दीजिएगा और दोनों side ऊपर नीचे x लीजिएगा, तभी equation solve होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, What does unsystematic risk related to? Unsystematic risk मतलब ये होता है inherent risk, याद रख लीजिएगा। Unsystematic risk question में दिया, mind में inherent risk जाना चाहिए और कुछ नहीं। Question number 8, ध्यान से देखिए question number 8 को। ठीक है, question में बोलता है which type of risk The uncertainty of purchasing power to be received. किस risk से purchasing power का uncertainty received होता है? सीधा सा बात है, purchasing power risk से। Question में ही answer दिया है, which type of risk the uncertainty of the purchasing power of the money to be received. किस risk से purchasing power का uncertainty को measure किया जाएगा? सीधा सा बात है, purchasing power का uncertainty किससे होगा? purchasing power risk से measure होगा। simple सा चीज है, question में answer दिया हुआ है।
Which one of the following is not a measure related to balance scorecard? Gap analysis से balance scorecard को measure नहीं किया जाता है, याद रखिए। Gap analysis से balance scorecard को measure नहीं किया जाता। Which one of the following is not a measure related to balance scorecard? याद रखिए, gap analysis के through हम balance scorecard को measure नहीं कर सकते हैं। प्रोजेक्ट रिस्क डज नॉट इंक्लूड, प्रोजेक्ट रिस्क में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता, अनसर्टेनिटी को हम नहीं लेते हैं, सिर्फ सर्टेनिटी चीज को ही लिया जाता है, प्रोजेक्ट रिस्क में अनसर्टेनिटी को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। एक बार सुन लीजिए, समझ में आएगा। डेस मेजर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय कंसीडरिंग ऑल इनपुट एंड आउटपुट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। बोलना चाहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हम प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इनपुट एंड आउटपुट का किससे मेजर करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में हम याद रखिए क्या चीज यूज करते हैं, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस में हम प्रोडक्ट का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी मेजर करते हैं। समझ में आया? तो क्या चीज, टोटल फैक्टर प्रोडक्शन के द्वारा प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को मेजर किया जाता है, याद रखिए, किसके थ्रू, फिर से सुनिए, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी के द्वारा प्रोडक्शन प्रोसेस का प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, ए फर्म हैज अ टोटल कॉस्ट फंक्शंस, टोटल कॉस्ट दिया है 1/9 एक्स क्यू है, वो x3 लिखा हुआ, एक्स क्यू है, -1/2x² - 18x + 30, ये टोटल कॉस्ट दिया है, एक्स इज द क्वांटिटी प्रोड्यूस, x आपका क्वांटिटी प्रोड्यूस है और आपको x का वैल्यू निकालना है, सीधा सा बात है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दे आप सीधा डेरिवेटिव कर दीजिएगा टोटल कॉस्ट का, ठीक है। अब देखिए, जब डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए 1/9 एक्स क्यू है, तो इसका आप जब डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3/9 एक्स स्क्वायर माइनस अब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2/2x - 18x जीरो हो जाता है, प्लस कांस्टेंट का होता है 0, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए 3x² लिखने का तरीका है, देखिए 3x² / 9 माइनस ये 2/2 कट जाएगा, तो -x - 18 कांस्टेंट का हो जाता है 0। अब ये इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन के थ्रू आप x का वैल्यू निकाल देंगे, आप मल्टीपल बोथ साइड 3 करके फिर x का कैलकुलेशन कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, आ गया, आप उसका डेरिवेटिव कर देंगे, जब डेरिवेटिव का वैल्यू आ जाएगा उससे आपका x का वैल्यू आ जाएगा और x = 9, ऐसा कोई भी समझे उसका डेरिवेटिव कर दीजिए डायरेक्टली, और डेरिवेटिव जैसे कर देंगे उससे आप x का वैल्यू निकाल देंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे तो काम खत्म, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन का क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ एक ही चीज लिखना है, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, MC = MR, और कुछ नहीं लिखना, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है SBT Limited has an issued and paid up capital, कंपनी का कैपिटल दिया 1,00,000 शेयर्स और एक शेयर का दाम है 100 रुपया, ठीक है, the company declared a dividend of 25 lakhs during the last 5 years and expected to maintain the same level of dividend in the future, कंपनी का कैपिटल दिया है 1,00,000 शेयर और एक शेयर का दाम 100 रुपया और कंपनी का टोटल डिविडेंड का वैल्यू दिया है 25 लाख रुपया, ठीक है, आगे बोलता है कंपनी यही डिविडेंड फ्यूचर में मेंटेन करना चाहता है। If the average dividend yield for the listed company in the same line of business is 16%, what is the value per share? So value per share आपको निकालना है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल सा फॉर्मूला है, वैल्यू पर शेयर मतलब होता है डिविडेंड यील्ड जब आपको दिया है तो सीधा सा बात है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय डिविडेंड यील्ड कर देंगे तो आपका वैल्यू पर शेयर आ जाएगा, तो डिविडेंड पर शेयर आपको निकालना पड़ेगा। टोटल कंपनी डिविडेंड दे रहा 25 लाख
और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 1 लाख, तो 25 लाख डिविडेंड दे रहा है 1 लाख शेयर के ऊपर, तो 1 शेयर पे कितना डिविडेंड दे रहा है 25 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख आ गया आपका 25 रुपया पर शेयर कंपनी डिविडेंड दे रहा है। पर शेयर डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिविडेंड यील्ड मतलब 25 डिवाइडेड बाय 0.16 16% जब डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पर शेयर आ जाएगा 156.25 रुपीज। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मेजर डिसीजन एरिया इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में मेजर जो डिसीजन का एरिया होता है वो होता है लोकेशन कहाँ होगा, सप्लाई का प्रोडक्शन कहाँ पर किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा और इन्वेंट्री। चार चीज होता है, लोकेशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन्वेंट्री। क्वेश्चन नंबर 16 यहां से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है इफ अ कंपनी हैज ए पी रेशियो प्रॉफिट अर्निंग रेशियो दिया है 20 एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है 15%, देन मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होगा। मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है, पी रेशियो का आप इंटू कर दीजिएगा रिटर्न ऑफ इक्विटी के साथ, तो पी रेशियो कितना है 20 और इंटू रिटर्न ऑफ इक्विटी कर देंगे 15% इक्वल टू आ जाएगा 3 times। ठीक है, सिंपल सा चीज है, इंटू करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इफ द कंपनी पी रेशियो इज 12 एंड द मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो, सेम क्वेश्चन है, उसमें देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया था, यहां पर दिया है मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो 2.10 एंड द रिटर्न ऑफ इक्विटी। क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया है, तो रिटर्न ऑफ इक्विटी करने के उल्टा पूछ दिया, डिवाइड कर देंगे मार्केट टू बुक वैल्यू रेशियो डिवाइडेड बाय पी रेशियो कर देंगे तो रिटर्न ऑफ इक्विटी आ जाएगा। मार्केट टू बुक वैल्यू कितना है देखिए 2.10 डिवाइडेड बाय पी रेशियो कितना है 12 और इसे 100 कर देंगे परसेंटेज में निकल जाएगा 17.50%। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आर, कौन कौन सा स्ट्रेटजी होता है रिस्क मैनेजमेंट का, देखिए अवॉइड रिस्क है, रिड्यूस रिस्क ये भी है, रिटर्न रिस्क ये भी है, कमेंट रिस्क ये भी है, ट्रांसफर रिस्क ये भी है, शेयर रिस्क एंड हेजिंग रिस्क ये ए बी दोनों है, तो आंसर होगा बोथ ए एंड बी, सी वाला आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19, द नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, जब भी ये बोला जाए या लिखेगा इक्विलिब्रियम मतलब मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, कुछ नहीं सुना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग टेक्निक टू एनालिसिस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, टाइम्स इज एनालिसिस इट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक है, ये अकाउंटिंग टेक्निक नहीं है, रेशियो एनालिसिस होता तो एक अकाउंटिंग टेक्निक होता, समझ में आया, लेकिन टाइम्स इज एनालिसिस एक अकाउंटिंग टेक्निक नहीं है। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए लिखा है एलएमएस डिक्लाइन एज द आउटपुट इंक्रीज, आउटपुट बढ़ेगा तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा। एग्जाम्पल सपोज हम 100 यूनिट बनाते हैं और मेरा फिक्स कॉस्ट लगता है 100 रुपया। ठीक है, आप 100 यूनिट की जगह बनाना चालू करते हैं 1000 यूनिट तो मेरा फिक्स कॉस्ट होता नहीं है 100 रुपया, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना 1 रुपया लगता था, अब 1000 यूनिट बनाते तो 10 पैसा लगेगा, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि एवरेज डिक्लाइन से आउटपुट इंक्रीज, जैसे आउटपुट बढ़ा मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो गया। क्वेश्चन नंबर 22, परफॉर्मेंस विल बी ए प्रोडक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, परफॉर्मेंस किसका फैक्टर है, परफॉर्मेंस कैसे मेजर होता है, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी से, परफॉर्मेंस क्या चीज से मेजर होता है, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल रेशियो इज नॉट द एल्टम मॉडल, चेयर स्क्वायर में एल्टम मॉडल का कौन सा फाइनेंशियल रेशियो नहीं है, देखिए फॉर्मूला है 1.2x1 प्लस 1.4x2 3.3x3 एंड 0.4x4 होल टू 1x5 है। ठीक है, अब देखिए x1 क्या होता है, वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, x2 क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, x3 क्या है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, x4 है मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लायबिलिटीज। अब मार्केट वैल्यू को किसके साथ दिया है, बुक वैल्यू के साथ, तो मार्केट वैल्यू किसके साथ कंपेयर है, यहां पर टोटल लायबिलिटी के साथ है x4 में, और x5 में सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट होता है, तो याद रखिए मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू बोल के जेड स्क्वायर में कुछ भी नहीं है, मार्केट वैल्यू टू टोटल लायबिलिटीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24,
It is assumed that M Limited would realize 40 million from the liquidation of its asset को liquidate करके 40 million पैसा आया उसके पास, ठीक है. It pays 20 million to its creditor and preference shareholder in full and final settlement of their claim. Asset को बेच के 40 million रुपया आया, 40 करोड़ आया सोच लीजिए, उसमें से 20 करोड़ 20 million दे दिया creditor और preference shareholder, ultimately कौन बच गया? Equity shareholder को पैसा देना बच गया, ठीक है. अब बोलता है if the number of equity shares of M Limited is 2 million, यदि 2 million शेयर है तो liquidations per share shareholder को कितना पैसा देगा? Equity shareholder को ultimately बचा कितना? 20 million बचा, 40 million से 20 million तो दे ही दिया, ultimately 20 million बचा जो 2 million shareholder के बीच देगा, तो 20 million divided by 2 million इसका तो 10 रुपया एक shareholder को देगा per share का, ठीक है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25. ये देखिए सेम क्वेश्चन एक आया था, which out of the following financial ratio is not the ALTA model. जैसे इसके अंदर देखिए मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का, क्योंकि ये मार्केट वैल्यू टू टोटल लायबिलिटीज दिया जाता है. क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बोलता है S Limited has announced issue of warrant on 1:1 basis for its equity shareholder. The exchange ratio दिया है 1. The current market value of the stock is 10 and warrant are convertible at an exercise price of 11.71. Warrant का exercise price भी दिया हुआ है. Warrant are detachable and are trading at rupees 3. What is the minimum price of the warrant? Price of the warrant का simple सा formula है. देखिए क्या फॉर्मूला है, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक माइनस एक्साइजेबल प्राइस ऑफ द वारंट होल्ड टू एक्सचेंज रेशियो. तो करेंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक कितना है 10 रुपया, माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द वारंट कितना है 11.72, एक्सचेंज रेशियो कितना है 1 है. इसको इनटू कर देंगे 1.71 नेगेटिव आया तो नेगेटिव नहीं लिखा जा सकता, उसको जीरो कंसीडर किया जाएगा. तो नेगेटिव को एज्यूम किया गया है, जीरो आंसर होगा जीरो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फिजिकल रिस्क अराइज आउट ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल इन्वॉल्वमेंट आर ऑफ्टन आइडेंटिफाइड थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ लीड इंडिकेटर. फिजिकल रिस्क क्या चीज से आइडेंटिफाई होता है? परफॉर्मेंस ऑफ लीड इंडिकेटर. लीड इंडिकेटर का परफॉर्मेंस के थ्रू हम फिजिकल रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिजिकल रिस्क कैसे आइडेंटिफाई होता है? परफॉर्मेंस ऑफ लीड इंडिकेटर के थ्रू, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सुन लीजिए. Identify which of the following is not a financial liability. क्या चीज financial liability नहीं है? क्या चीज financial liability है? याद रखिए financial liability मतलब बैंक से मैंने पैसा लिया है और बैंक को उसका पैसा देना है, डिबेंचर होल्डर से मैंने पैसा लिया वो मेरा financial liability है. सपोज इक्विटी से होल्डर से पैसा लेना मेरा financial liability नहीं है. X Limited में 1 lakh of rupees 10 ordinary shares, कंपनी का 1 lakh shares है जिसका दाम 10 रुपया करके, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा कभी भी financial liability, financial obligations नहीं होता है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच फर्म्स दैट इंटेंड टू बाय ओनली अ स्मॉल परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स. मतलब सीधा सा बात है, एक फर्म कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदना चाहता है तो कहां से खरीद सकता है? ओपन मार्केट से. आपको शेयर खरीदना कहां से खरीदेंगे? ओपन मार्केट से, सीधा सा बात है. ओपन मार्केट से परचेज कर लेगा, सीधा सा बोलता है फर्म कुछ स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर खरीदना चाहता है कहां से खरीदेगा? ओपन मार्केट से. सिंपल सा चीज है, ओपन मार्केट से परचेज करेगा. क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सा चीज है, इन व्हिच डिसिप्लिन सप्लाई चेन कांसेप्ट वाज ओरिजिनेट. किसके बेसिस में सप्लाई चेन कांसेप्ट को ओरिजिनेट किया हुआ है? सब जानता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. मार्केटिंग का कांसेप्ट के बेसिस में सप्लाई चेन कांसेप्ट का ओरिजिनेशन हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है मार्केटिंग के बेसिस कांसेप्ट के बेसिस में. याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 31, एन इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री व्हेन द एक्चुअल रिटर्न आर एलवेज टेस द एक्सपेक्टेड रिटर्न. आपका इन्वेस्टमेंट कितना रिस्क जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना ही रिटर्न आ गया, तो मैं रिस्क फ्री.
रिस्टर्न होता है कि मैं 10% सोचा था 4% रिटर्न आता तब रिस्क फ्री होता है कि 6% कम आया जितना सोचा उतना ही आ गया तो रिस्क फ्री हो गया एंड इन्वेस्टमेंट इज रिस्क फ्री व्हेन द एक्चुअल रिटर्न आर एवरेज इक्वल टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्वेस्टमेंट का रिस्क फ्री होगा जब एक्चुअल रिटर्न इक्वल होगा किसके साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ याद रखें क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 32 ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड विल डेज व्हेन द YTM on the bond increase yaad rakhiye duration aur YTM ka jo relation hai inverse relationship mein depend karta hai ek badhega to ek kamega to jadi yahan YTM increase ho raha hai to duration bond ka kya ho raha hai decrease ho raha hai agar bond ka duration aur YTM ke beech YTM matlab yield to maturity ke beech inverse relationship rehta hai ek badhega to ek kam hoga to jadi yahan YTM badh raha hai to duration kam ho jayega simple sa question hai question number 33 personal tax rate and interest payment would not be included in weighted average cost of capital calculation ekdam sahi hai personal tax rate aur interest payment jo hai nahi liya jata hai simple sa personal tax rate kyun nahi liya gaya theek hai question number 34 question number 34 mein aa jayega ekdam dekhiye theek hai dhyan se dekhiye question number 34 क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इफ द एवरेज कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ फर्म इज गिवन एवरेज कॉस्ट दिया है x स्क्वायर लिखा हुआ है ठीक है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इन टर्म्स ऑफ आउटपुट इज x क्वांटिटी कितना दिया x व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट सीधा सा फंडा है मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट ये है इसके साथ क्वांटिटी को आप इनटू करेंगे तो आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ठीक है सीधा सा बात फिर उसको डिफरेंस उसका डेरिवेटिव कर दीजिए मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा सिंपल सा 3x² - 8x + 7 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी जितना आएगा उसका डेरिवेटिव कर दीजिएगा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट ठीक है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 35 Estimate fair value of an asset is based on the which value of operating cash flow. मतलब पूछता है कि आप PV का calculation कैसे करेंगे? तो भैया discounting कर देंगे future cash flow को, तो PV का calculation हो जाएगा. तो कौन सा method use करते हैं? Discounting method use करते हैं. सीधा सा पूछ रहा है कि PV का calculation आप करने के लिए क्या करेंगे? Future cash flow को discounting करेंगे, discounting value करेंगे. Estimate fair value of an asset is based on the which value of operating cash flow सीधा सब पूछना ये चाहता है कि आपको PV का calculation करना है हम discounting कर देंगे future cash flow को बस वही लिखना है discounting value को use करेंगे question number 36 देखिए बहुत simple सा question है क्या बोलता है देखिए a company based on up to date financial statement has determined that the current free cash flow to equity आज के दिन company का current free cash flow to equity है एक शेयर का दिया है एक रुपया एंड उसका नंबर ऑफ शेयर दिया है 100 करोड़ ठीक है टोटल फ्री कैश फ्लो कितना हो जाएगा एक रुपया करके एक शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स कितना 100 तो 100 करोड़ हो जाएगा कंपनी का फ्री कैश फ्लो ठीक है आगे देखिए क्या बोलता है आगे बोलता है इट्स इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 30 करोड़ का इंटरेस्ट एक्सपेंशन है एंड टैक्स रेट 30% है तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कंपनी का कितना 30 करोड़ है लेकिन आपको टैक्स 30% है तो आपको टैक्स को माइनस कर देंगे टैक्स का बेनिफिट ले लेंगे तो 30 × 0.7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 21 करोड़ रुपया इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा यदि टैक्स का बेनिफिट ले लेते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा 21 करोड़ का आउटफ्लो होगा गिवन द फ्री कैश फ्लो FCFF क्या होगा यहां 100 करोड़ का देखिए 100 शेयर का 1 रुपया करके 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट इंटरेस्ट में से आपका क्या गया टैक्स का बेनिफिट माइनस कर दिया 30% तो 30 × 0.7 कर देंगे 21 रुपया तो 100 + 21 फ्री के FCFF हो जाएगा 121 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 X Limited has issued 10 crore of rupees 10 each cumulative redeemable preference share. याद रखिएगा cumulative redeemable preference share हमेशा financial obligation होता है कंपनी का डिबेंचर को रिडीम भी करना पड़ेगा और डिविडेंड भी देना पड़ेगा प्रिफरेंस शेयर होल्डरों को ठीक है डज द अबव स्टेटमेंट इंडिकेट द फाइनेंशियल एकदम फाइनेंशियल लायबिलिटी है कंपनी का डिबेंचर होल्डर हो या प्रिफरेंस शेयर होल्डर हो दे आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी एकदम होगा इक्विटी शेयर होल्डर रहता तो बात अलग होता प्रिफरेंस शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर आर एलवेज फाइनेंशियल लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी क्वेश्चन नंबर 38 ए बॉन्ड ऑफ ए कंपनी इज ट्रेडिंग एट ए प्रीमियम एट प्रेजेंट
It is expected that in future its price will be raised with the passage of time. सीधा सा बात बोलता है तो सिंपल सा फंडा याद रखिएगा. बॉन्ड का durations, या देखिए बॉन्ड आज के दिन ट्रेडिंग हो रहा है प्रीमियम में, फ्यूचर में क्या हमेशा प्रीमियम में रहेगा, ऑब्वियसली उसका दाम जो नॉर्मल दाम पे आएगा गिरेगा. तो सिंपल सा यदि बॉन्ड प्रीमियम में ट्रेडिंग हो रहा है तो फ्यूचर में उसका प्राइस गिरेगा ही गिरेगा, डिक्रीज होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, यदि बॉन्ड का जो है ये सिंपल सा चीज है प्रीमियम में ट्रेडिंग हो रहा है तो एक्सपेक्टेड दैट इन फ्यूचर प्राइस विल बी डिक्रीज, डिक्रीज ही होगा पैसेज ऑफ टाइम के हिसाब से. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39 को पढ़िए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, इस बार आपका एग्जाम में एकदम 100% आएगा. देखिए क्वेश्चन क्या बोलते हैं, देखिए सेल्स दिया है 1,00,000 रुपया, कॉस्ट दिया है 75,000, डिप्रिसिएशन दिया है 20,000 और टैक्स रेट दिया है 35%. कंपनी का चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल 1,000 रुपया है, चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग 10,000 रुपया दिया है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो टू फर्म, FCFF का वैल्यू निकालना है. सबसे पहले आप निकालेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, सेल्स माइनस कॉस्ट 1,00,000 माइनस 75,000 कर देंगे, फिर डिप्रिसिएशन का -20,000. ठीक है, अब माइनस टैक्स जितना आएगा उससे देखिए 1,00,000 माइनस 75,000 माइनस 20,000 आ गया आपका 5,000 रुपया. ठीक है, 95,000 माइनस हो गया 1,00,000 से, 5,000 हुआ, 5,000 से 35% आप टैक्स माइनस कर देंगे, मतलब 1,750 रुपए टैक्स माइनस कर देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 3,250 रुपया. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 3,250 रुपया. अब आप FCFF निकालना है तो 3,250 में सबसे पहले आप जोड़ दीजिए डिप्रिसिएशन, क्योंकि डिप्रिसिएशन में एक्चुअल आउटफ्लो कुछ नहीं है तो 20,000 रुपया मेरा सेव हो गया. तो दिस प्लस 20,000 माइनस आपका एक्चुअल खर्चा क्या लगा, चेंज इन नेटवर्किंग कैपिटल, कंपनी का वर्किंग कैपिटल बढ़ गया उसके कारण 1,000 का खर्चा लगा तो -1,000. चेंज इन कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल स्पेंडिंग में 10,000 का खर्चा हुआ -10,000, मतलब 3,250 प्लस 20,000 माइनस 1,000 -10,000 तो कर देंगे 12,250 आ जाएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर रिलेटेड टू बैलेंस स्कोर कार्ड. बैलेंस स्कोर कार्ड को क्या चीज से मेजर नहीं किया जा सकता है, गैप एनालिसिस के थ्रू बैलेंस स्कोर कार्ड को आप मेजर नहीं कर सकते हैं. परफॉर्मेंस विल बी ए प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस क्या चीज का प्रोडक्ट है, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी का. याद रखिए परफॉर्मेंस क्या चीज का प्रोडक्ट है, एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन एंड प्रोडक्टिविटी का. दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. क्या चीज अनसर्टेनिटी है परचेजिंग पावर ऑफ मनी का, परचेजिंग पावर रिस्क. क्वेश्चन में आंसर दिया है परचेजिंग पावर रिस्क इज द अनसर्टेनिटी ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी. बस uncertainty risk related to inherent risk, ये सब question करा चुका हूं मैं. In which discipline supply chain concept was originate, किसके basis में supply chain concept originate हुआ है, marketing के concept के basis में. Under perfect competition and at the point of equilibrium of firm, market curve must be rising, market curve rise होगा परफेक्ट कंपटीशन के केस में. याद रखिएगा करा चुका हूं. क्वेश्चन नंबर 46 फाइनेंशियल रिस्क अराइज आउट ऑफ, फाइनेंशियल रिस्क क्या चीज से अराइज होता है, याद रखिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट, कंडक्ट करेंगे बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से, एंड द नेचर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये दोनों चीज से फाइनेंशियल रिस्क अराइज होगा, इन्वेस्टमेंट से और ट्रांजेक्शन से. दो चीज याद रखना है, फाइनेंशियल रिस्क क्या चीज से अराइज होता है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट से और ट्रांजेक्शन से, सिंपल सा चीज. क्वेश्चन नंबर ये देखिए, an index number is a statistical measure of death in a variable, fluctuation in a variable. याद रखिए statistical index number क्या है, statistical measure of death, fluctuation in a variable होगा. arrange in a form of series and using a base for making comparison. सिंपल सा क्वेश्चन है, करा चुका हूं. बेंचमार्किंग क्या चीज पे फोकस करता है, बेस्ट प्रैक्टिस पे. याद देखे एन इंडेक्स नंबर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ डेज, फ्लक्चुएशंस इन वेरिएबल को स्टैटिस्टिकल मेजर करता है. क्या करता है इंडेक्स नंबर, स्टैटिस्टिकल मेजर क्या है, फ्लक्चुएशन जो होगा वेरिएबल के बीच में उसका मेजर. बेस्ट इंडेक्स नंबर क्या है, स्टैटिस्टिकल मेजर है क्या चीज का, फ्लक्चुएशन इन वेरिएबल्स का. क्वेश्चन नंबर 50 सब करा चुके हैं पहले. एन इक्विलिब्रियम कंडीशंस फॉर ए मोनोपोली, क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, बहुत बार करा चुके हैं क्वेश्चन. फिजिकल रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ सोशियल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरमेंट आर
इसको क्या बोलते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ लीड इंडिकेटर बोलते हैं, जो फिजिकल रिस्क अराइज होता है आउट ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड लीगल एनवायरनमेंट आर द परफॉर्मेंस ऑफ द लीड इंडिकेटर है, ये करा चुके हैं पहले। द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर अ मोनोपोली फार्म इज मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। द पर्पज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पर्पज क्या है, मेजर करना सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट को, इंटीग्रेटिंग मतलब मेजर करता है सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट को, मेजर सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मेन पर्पज से मेजर करना, इंटीग्रेटिंग करना सप्लाई एंड डिमांड मैनेजमेंट को, मेजर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 पढ़िए एक बार, क्वेश्चन नंबर 54 ध्यान से क्वेश्चन को देखिए एक बार, सुन लीजिए बस, वो कुछ नहीं है। Which of the following is not one of the customer relationship management CRM business driver नहीं है, कौन सा CRM business driver नहीं है, define information need and flow CRM business driver नहीं है, define information need and flow, ठीक है। अब देखिए CRM customer relationship management is about क्या चीज होता है, acquiring the right customer को acquire करना, establish the best process को establish करना, motivate करना employee को, all of the above, सारा चीज होगा यार, देखिए CRM में सब चीज होता है, best माने customer को acquire भी करते हैं, best practice को भी खोजते हैं, employee को motivate भी करता है, customer relationship management develop होता है, ठीक है। अब देखिए next question में, देखिए ठीक है, एक तो खाली बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, CRM मतलब होता है कि आप किस हिसाब से अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करोगे, किस हिसाब से डीलिंग करोगे, एक तो तरीका बताया जाता है कि अच्छे से आप कस्टमर से डील करो, कस्टमर हमारा भगवान है, सिंपल सा भाषा में यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स टू मैक्सिमाइज लॉयलिटी सेट टू बी, इसी को बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर, कस्टमर के लिए कस्टमर का इंफॉर्मेशन निकालना भी एक प्रकार का लॉयलिटी को इंक्रीज करेंगे, फिर ये भी एक प्रकार का CRM हुआ, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 57, सप्लाई चेन इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एन इनपुट ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड आउटपुट, कराया हूं मैं, सप्लाई चेन इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ प्रोसेस, सप्लाई चेन में बहुत सारा का प्रोसेस होता है, दैट इन्वॉल्व उस प्रोसेस में क्या चीज इन्वॉल्व है, देखिए इनपुट दिया जाता है एंड ट्रांसफॉर्मेशंस माने ट्रांसफॉर्मेशंस किया जाता है, उसके बाद एन आउटपुट आता है, इनपुट ए ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आउटपुट, तीन सप्लाई चेन का सीरीज है, देखिए सप्लाई चेन का क्या क्या सीरीज है, इनपुट फिर ट्रांसफॉर्मेशंस फिर आउटपुट, याद है कि इनपुट का डायरेक्ट आउटपुट नहीं है, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आउटपुट, याद है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सीरीज यदि पूछे, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आउटपुट, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एस्टैब्लिश या कवर द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, में क्या चीज कवर होता है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटी, क्या चीज का है, सोर्सिंग एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव, सारा चीज सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कवर हो जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में अपने डिसाइड करते हैं कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, कहाँ पर कन्वर्जन होगा, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होगा, सब चीज कवर है, याद है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कवर द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सारा मैनेजमेंट का एक्टिविटी को कवर करते हैं रॉ मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव होगा। Which of the following is not a component of supply chain management? Organizing is not the component of supply chain management. Organizing एक component नहीं है supply chain management का, ठीक है। Consultant who contribute to the concept of TQM, total quality management में ये consultant, सारे consultant अपना ज्ञान दिए हैं। Edward हो जाए, Joseph हो, Fogan हो, all of the above, याद है कि सारे consultant का नाम एक बार आप देख लीजिएगा, सब contribute किए हैं। तो कंपोनेंट ऑफ पीडीसी है, पीडीसी मतलब होता है प्लान डू चेक एंड एक्ट, प्लान डू चेक एंड एक्ट, याद रखिए कंपोनेंट ऑफ पीडीसी प्लान डू चेक एंड एक्ट। बेंचमार्किंग द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस,
बेंचमार्क मतलब इंडस्ट्री का बेस्ट प्रैक्टिस को सर्च करना दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस. अपना प्रोडक्ट को इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करते हैं, उसी को बोलते हैं बेंचमार्किंग. द सर्च फॉर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस दैट लीड टू सुपीरियर परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर 63 में आ जाइए. देखिए पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 63 सुन लीजिए. सब जो थ्योरी क्वेश्चन आपको है सुन लेना एक बार, ठीक है. TQM emphasis. TQM क्या चीज पे emphasis करता है, चीज को समझिए. TQM बोलता है कि कस्टमर को राइट क्वालिटी का चीज मिलेगा और राइट प्राइस में मिलना चाहिए. अच्छा चीज देंगे और सही दाम में देंगे. तो एक कमिटमेंट टू क्वालिटी दैट गोज बियॉन्ड इंटरनल कंपनी इशू टू सप्लायर एंड कस्टमर. बस इतना ही जानना. A successful TQM program incorporates all of the following except. क्या चीज TQM program में include नहीं है? Centralized decision making authority TQM program में include नहीं है. क्या चीज include नहीं है? Centralized decision making authority. ये सब खाली सुन लीजिए एक बार. The Six Sigma DMAIC, इसका full form देखिए. DMAIC process का D for define, M for measure, A for analysis, I for improve and C for control. Define, measure, analysis, improve and control. Bas. The components of PDCA. PDCA बताया थे plan, do, check and act. Bas. Which of the following statement is true? कौन सा statement true है? Elasticity of demand decrease as goes down the demand curve. यदि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो डिमांड कर्व क्या होगा? डाउन होगा. ध्यान से सुनिए. अच्छा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एक बार क्वेश्चन कभी कभी आता है, ठीक है. देखिए बोलना क्या चाहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा? डिमांड कर्व भी डिक्रीज हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ डिमांड कर्व भी गो डाउन हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68 ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 68. इफ द टोटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ ए कंज्यूमर इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. यदि टोटल एक्सपेंडिचर कंज्यूमर का बढ़ जाएगा जिसके कारण क्या है? कमोडिटी का प्राइस भी as a result of an increase in the price of the commodity का price भी बढ़ जाएगा. the elasticity of demand for the commodity is क्या होगा? less than one. simple सा है. यदि चीज को समझिए, यदि total expenditure consumer का बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है? commodity का price भी बढ़ जाता है. इस केस में elasticity of demand क्या होगा? less than one हो जाएगा. बस simple सा question है. if the supply of a commodity is perfectly elastic, an increase in demand will result in increase in equilibrium quantity. यदि demand increase होगा, या देखिए an increase in demand will result, यदि demand increase होगा तो quantity भी उसका बढ़ेगा. increase in equilibrium quantity, equilibrium pricing जो है remain constant. simple सा चीज है. इसको फिर से सुनिए. if the supply of a commodity is perfectly elastic, यदि supply क्या perfectly elastic है, तब एन इंक्रीज इन डिमांड विल रिजल्ट. यदि डिमांड इंक्रीज होता है उसका रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम प्राइस सेम रहेगा. इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 70. इफ प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन ए गुड इज सिग्निफिकेंट, यदि इनकम क्या है? सिग्निफिकेंट है. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड्स टेंड्स टू बी इलास्टिक होगा. यदि इनकम सिग्निफिकेंट होगा तो प्राइस इलास्टिसिटी जो है डिमांड का इलास्टिक ही रहेगा. क्वेश्चन नंबर 71. ए डिमांड कर्व शोस. डिमांड कर्व क्या बता रहे कि प्रोडक्ट का क्वांटिटी कितना डिमांड है. दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए गुड्स एट वेरियस लेवल ऑफ ए ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स. माने कितना क्वांटिटी डिमांड है वही चीज डिमांड कर्व बताता है कि मेरा प्रोडक्ट का कितना डिमांड है. वही चीज बताता है डिमांड कर्व, वो कुछ नहीं बताता. फॉर कॉम्प्लीमेंटरी प्रोडक्ट, कंप्लीमेंटरी प्रोडक्ट में याद रखिए क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? नेगेटिव होता है कंप्लीमेंटरी प्रोडक्ट में, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 73 ध्यान से देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है.
101 या न्यूमेरिकल एरर हो गया 73 होना चाहिए लेकिन अब 101 हो गया है तो उसी को आगे करेंगे। अनसिस्टमैटिक रिस्क रिलेटेड टू, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या चीज से रिलेटेड है? इनहेरेंट रिस्क से, ठीक है, ये आगे बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक? रिस्क मैक्सिमाइजेशन एक तो रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक नहीं है। फिनेंशियल रिस्क इज एसोसिएट विद, फिनेंशियल रिस्क क्या चीज से एसोसिएट है? या देखिए फिनेंशियल स्ट्रेटेजी से फिनेंशियल रिस्क एसोसिएट है, फिनेंशियल स्ट्रेटेजी, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क इज मेजर बाय, सिस्टमेटिक रिस्क क्या चीज से मेजर कर सकते हैं? बीटा से। सिस्टमेटिक रिस्क क्या चीज से मेजर हो सकता है? बीटा से। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस ओनली अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन कर देते हैं डाइवर्सिफिकेशन के कारण सिर्फ अनसिस्टमेटिक रिस्क कम हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंगली डिक्रीज इन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट, क्या चीज करता है? इंटरेस्ट रेट रिस्क को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 106, ध्यान से देखिए 106, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है 106। क्वेश्चन 106, ध्यान से कल क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है। Which of the following is not an actuarial concept used in risk pooling? The law of subjective judgment. The law of subjective judgment actuarial concept नहीं है। कौन सा? Which of the following is not actuarial concept? Risk pooling में use होता है लेकिन actuarial concept नहीं है। The law of subjective judgment. Which of the following is not an actuarial concept used in risk pooling? यह एक actuarial concept नहीं है। The law of subjective judgment. सुन लीजिए खाली। The financial performance analysis which is undertaken by the outsider of the business, namely investor, याद रखिए investor जो outsider है company का, वो company का financial performance को analysis करता है किसके basis में? External data के basis में, तो उसको बोलते हैं external analysis, ठीक है। Which of the following is a cause of corporate disaster? कौन कौन सा जो corporate disaster का cause है? Fraud by management है, वर्किंग कैपिटल प्रॉब्लम ये भी है, मिसमैनेजमेंट ये भी है, ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। याद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ कॉर्पोरेट डिजास्टर, ये सारा है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, सिक्स सिग्मा हैज टू की मेथोलॉजी, सिक्स सिग्मा का दो मेथोलॉजी है, एक है DMAIC, दूसरा है DMADV, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हु हैज प्रमोटेड द फेज जीरो डिफेक्ट, जीरो डिफेक्ट को किसने प्रमोट किया था? फ्लिप क्रॉसबाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेबल वन, वन ऑफ द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज डिस्क्राइब बाय सर रॉबर्ट किफेन, एक लॉ ऑफ डिमांड का एक एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड जनरली बोलता है कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन देते हैं, बोलते हैं कि कुछ ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसका यदि प्राइस बढ़ जाए तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं गिफन गुड्स, जैसे ब्रेड वगैरह जो नेसेसरी आइटम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, If the proportional change in the price is more than the proportional change in demand, इसको क्या बोलते हैं? If the proportional change in price यदि ज़्यादा है, is more than the proportional change in demand, it is called relatively inelastic demand बोला जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ऐसे सुन लीजिए खाली 113, The French economist Carnot analysis a special case of competitive business behavior with only two form in an industry, एक तो business यानी कि competitive business behavior को ये analysis किए थे दो form को लेके, उस concept को बोलते हैं duopoly, दो form को लेके यदि competitive behavior का analysis होगा उसको duopoly बोलेंगे, बस simple सा चीज है। Question number 114, the risk which is primarily influenced by the level of financial gearing, इंटरेस्ट कवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कैश फ्लो एडिक्वेसी इज कॉल्ड, वह रिस्क जो इन्फ्लुएंस होता है कंपनी का फिनेंशियल डाटा से, उसको बोलते हैं फिनेंशियल रिस्क। फिनेंशियल डाटा क्या हो गया कंपनी का? फिनेंशियल गियरिंग, इंटरेस्ट कवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, ये सब फिनेंशियल डाटा है। जो द रिस्क इन्फ्लुएंस होगा फिनेंशियल डाटा से उसको फिनेंशियल रिस्क बोलेंगे, सिंपल सा बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द एलिमेंट और
पैरामीटर ऑफ NCAAR मॉडल ऑफ कॉर्पोरेट डिजास्टर प्रेडिक्शन क्या होगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पोजीशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, द टाइप ऑफ बेंचमार्किंग व्हिच इज कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ कोल कंपटीशन दैट विल हेल्प सब्सटेंशियली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज कोल। वह कौन सा बेंचमार्किंग है जो कंसर्न करता है डेवलपमेंट ऑफ कोल कंपटीशंस को, जो लिंक रखता है डेवलपमेंट ऑफ कोल कंपटीशन से, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग। ये 117 का क्वेश्चन कराया हुआ है। डेस मेजर ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बाय कंसीडरिंग ऑल इनपुट एंड आउटपुट इन द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी होगा। ये कराया हुआ है, देखिए ये सब क्वेश्चन आपका कराया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखिए देखिए अब कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है उसको हम नहीं कराएंगे, जो डायरेक्टली अनरिपीटेड क्वेश्चन है उसको करा देते हैं जैसे, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीटेड आपका 118 का, ये पहले करा चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बेंचमार्किंग, ब्रांड बेंचमार्किंग एक तो बेंचमार्किंग नहीं है। ये क्वेश्चन कराया हुआ है मार्जिनल कॉस्ट का, आप आ जाइए, जो बच गया मैं करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट फॉर मैनेजिंग रिस्क, कौन सा स्ट्रेटेजी मैनेजिंग रिस्क में नहीं आता है, रिस्क मेजरमेंट स्ट्रेटेजी। याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट फॉर मैनेजिंग रिस्क, मैनेजिंग रिस्क के लिए कौन सा स्ट्रेटेजी नहीं है, क्या होगा? रिस्क मेजरमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। फॉर ए मोनोपोलिस फॉर्म द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज, कब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? जब MR इक्वल टू MC होगा, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 123, Which one of the following is not true about online analytical processing OLAP के नहीं है? Which of the following is not true? क्या चीज true नहीं है online analytical processing के बारे में? It is a category of hardware technology. एक तो hardware technology का category है, गलत बात है, सही नहीं है। Performance management create a direct link between performance management, एक तो direct link create करता है employee performance and organizations के goal के बीच। अब देखिए ये सब कराया हुआ है आपका ऊपर में, अब देख लीजिएगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। ये अब बच गया दो दो चीज जो नहीं कराया हुआ, याद रखिए EPS फॉर्मूला अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है, पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, और MPS का फॉर्मूला है PS इनटू PE रेशियो। बस इतना कर दीजिए, ये जो क्वेश्चन है वो सब रिपीटेड है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। अब इतना कीजिएगा, काफी है, थैंक यू।